इतने बार साहब को मैं जयपुर का गार्जियन मानता हूँ। किसी भी जाति, किसी भी समाज, किसी भी प्रशासनिक सेवा, कोई भी फील्ड हो, इस समय टिबड़ेवाल साहब से श्रेष्ठ, ज्येष्ठ और यथेष्ट कोई व्यक्ति नहीं है। आपको मैंने चीफ जस्टिस के रूप में देखा है, आपको मैंने जस्टिस के रूप में देखा है, आपको मैंने कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में देखा है, और राजस्थान में लीगल एड अथॉरिटी के संस्थापक के रूप में देखा है, और कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इन्होंने जो मर्यादाएं स्थापित की, वो हालांकि हमारे यहाँ सभी योग्य राज्यपाल रहे, लेकिन इनकी स्थापित की हुई परंपरा अब तक अपना अलग स्थान रखती है। हमारे बीच में एम के गुप्ता साहब हैं, महाज्ञानी ओम प्रकाश जी, नहीं महाज्ञानी तो कोई विषय नहीं बचता है, और सेवाराम जी के साथ सेवा जुड़ी हुई है, और बी एल गुप्ता साहब इस अपने संगठन के संरक्षक, मेरे मित्र जय सिंह जी बगासरा भाई भी हैं, मित्र भी हैं, और जिनके बिना आज का कार्यक्रम अधूरा है, आज का संकल्प अधूरा है, वो हमारे भगवत कटारा जी। मैं खुद संकल्प लेता हूं कि हम लोग एक कार्यक्रम और, जब 20वां होली मिलन मनाया जाएगा उससे पहले एक आयोजित करेंगे जिसमें सिर्फ भगवत कटारा जी का सम्मान किया जाएगा। आपको सहमत है तो हाथ खड़े करके मेरी बात का समर्थन करिए। उसका एक कारण है कि प्रभु ने इनको जो पुनर्जीवन दिया उसको 20 साल पूरे होने जा रहे हैं। आप ये देखें कि कामा से ये भरतपुर जा रहे थे और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, डॉक्टरों के जवाब देने के बाद एक ही शक्ति बसती है, वो शक्ति है गोविंद देव जी की शक्ति जो जयपुर के आराध्य देव हैं। उन्होंने इनको बचाया, और किसके लिए बचाया? उन बच्चियों के लिए बचाया, उन बच्चों के लिए बचाया जिनकी न केवल ये शादियां करवा रहे हैं बल्कि शादियों में योगदान करवा रहे हैं, उनके पढ़ने की व्यवस्था करवा रहे हैं। तो ये प्रभु का जो इनको काम दिया हुआ था उसको पूरा करवा रहे हैं। और मैं 2 मिनट में आखिरी बात कहना चाहता हूं, इसका महत्व कितना है? इसका महत्व ये है कि कटारा जी शतायु प्राप्त करेंगे, आप लोग देखिएगा। मैंने जब पत्रकारिता के अंदर काम शुरू किया तो भैरव सिंह शेखावत जी मेरे अभिभावक थे, उन्होंने 2 बातें कही थी। एक तो व्यक्ति अगर ईमानदार नहीं है, उसका रोम रोम निष्कलंकित नहीं है, तो वो किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता, और दूसरी चीज वो योग्य नहीं है तो वो किसी से काम नहीं ले सकता, और इससे बड़ी है कि अगर उसके साथ में सेवा की भावना जुड़ी हुई हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसी तरह से उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती जैसे भगवत कटारा जी का आई हुई मृत्यु भी नहीं बिगाड़ पाई। घर में सावित्री ने संकल्प किया और सत्यवान को यमराज से वापस लाया। तो पूरे परिवार के प्रति शुभकामनाएं हैं, इसका बहुत महत्व है, बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। मैंने देखा, एक पत्रकार के रूप में मैंने संकल्प लिया था कि किसी गरीब और पीड़ित आए हुए व्यक्ति को अपनी सांस रहते हुए निराश नहीं जाने दूंगा। तो मैं एक उदाहरण हूं कि मैंने दैनिक अखबार शुरू किया, उसमें एक नया पैसा लगाने के लिए मेरे पास नहीं था। किसी ने बिल्डिंग दी, किसी ने प्रेस दी, किसी ने उधार कागज दिया, और पत्रकार छोड़ छोड़ के बड़े बड़े अखबार आकर के साथ दिए। तो ये है प्रभु का आशीर्वाद, सेवा की कीमत। आज के अवसर के ऊपर, जबकि फागुन का महीना चल रहा है, गीता में भगवान ने कहा है, योमाम पश्यति सर्वत्र
सर्वं च मई पश्यति, तो सब में देखो, हम सब में देखेंगे तो हमारे अंदर अच्छी भावना आएगी। और भारत के, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान वेद व्यास जी महाराज हुए हैं, जिन्होंने 18 पुराण लिखे और गीता लिखी। उन्होंने एक श्लोक में पूरा मर्म लिख दिया 18 पुराणों का। उन्होंने कहा अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं और परपीड़ा से बड़ा कोई पाप नहीं। तो परोपकार में लगे हुए भगवत कटारा जी का हम फिर अभिनंदन करते हैं और आपकी तरफ से पुनः निवेदन करते हैं कि हम सब लोग मिलकर के हमारे केवड़े बाल साहब के नेतृत्व में, एनके गुप्ता जी के नेतृत्व में, पीएल गुप्ता जी के नेतृत्व में, सेवा राम जी के नेतृत्व में, ओम प्रकाश शर्मा जी के नेतृत्व में, ओपी कटारिया जी के नेतृत्व में, सैनी जी के नेतृत्व में, बघासरा जी के नेतृत्व में, श्रीमती लक्ष्मी जी के नेतृत्व में, सबके नेतृत्व में आपका अभिनंदन करने के लिए मैं संकल्प लेता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।